अब देखो बच्चों, आगे वाले वीडियो में अब जो हमारा पीछे करवाया था, बताया था मैंने कि इसको डायरेक्ट हम आर के परिमेयकरण से नहीं कर सकते। dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है, इसको हम हर के परिमेयकरण से समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि साइन और 1 प्लस साइन एक्स होता या 1 प्लस कोस एक्स होता तो इसको हम कर सकते थे। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देंगे। dx 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो इसको एलसीएम लेंगे, क्या आएगा ये हर के बटा वाली संख्या किस में आ जाएगी, अंश में। कोस एक्स डी एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब इसमें कैसे करेंगे, एक तो सेम टू सेम करेंगे, एक तो क्या करेंगे सेम टू, फिर ऐसे करेंगे इनका अवकलन करने पर आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाए। कैसे, ध्यान दो, माना कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी मान लिया अवकलन। तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टू सेम लिख दिया, कैसे, एक टू सेम लिखे कोस एक्स प्लस में साइन एक्स कैंसिल हो जाए, और अब आगे देखो प्लस करते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और क्या है प्लस का साइन एक्स डी एक्स। साइन और साइन कट के क्या आए हो, दो कोस एक्स आए, दो है हमारे पास, क्या है एक कोस एक्स। तो अंश और हर में क्या कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, अंश और हर में दो से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर तो एक बटा दो, ये दो कोस एक्स आ रहा है। कैसे, अगर यहाँ साइन एक्स होता, क्या होता साइन एक्स, तो हम क्या करते माइनस लेते, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता, ये ध्यान रखोगे कोस एक्स है तभी प्लस आए, ठीक है। कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक तो सेम टू सेम लिखोगे, दूसरे का इनका हर वाले का जो अवकलन आता है वो अंश में करोगे। दोबारा देखो एक बार कैसे करेंगे, डी एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स, इसको टेन एक्स को हम साइन और कोस में चेंज करेंगे, क्या करेंगे वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, लघुतम लिया कोस एक्स प्लस साइन एक्स, अंश में चल जाएगा कोस एक्स। अब इसको ये दो से गुणा तो बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे कि एक तो सेम टू सेम और दूसरा क्या करेंगे, अंश में सेम टू सेम हर वाली संख्या लिखेंगे, दूसरा हर वाली संख्या का अवकलन करेंगे। बात रही प्लस माइनस की, इस पर डिपेंड होता है, देखो प्लस करने पर दो कोस एक्स आता है तो दो से गुणा कर देंगे, अगर साइन होता तो क्या करते हैं हम माइनस करते, समझ में आ गई बात। अब इसमें एक बटा दो से यहाँ से होगा, एक बटा दो अलग अलग क्या कर लेंगे समाकलन कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये डी टी पॉन्टी आई बराबर एक बटा दो डी टी नहीं सॉरी डी एक्स है प्लस एक बटा दो डी टी पॉन्टी। तो कितना आ गया, आई बराबर एक बटा दो डी एक्स का समाकलन क्या आएगा एक्स प्लस एक बटा दो लोग टी प्लस में सी, टी का मान रखिए, टी का मान रखने पर क्या है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स है, टी का मान रखें क्या आएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, एक बटा दो एक्स
एक बटा दो लोग कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी आर। दोबारा देखो इसको, एक प्लस टेन एक्स है, टेन एक्स को हम साइन और कोस में चेंज करेंगे, फिर लघुतम लेंगे कोस एक्स, फिर एक सेम टू सेम रखेंगे, फिर इसका हर वाले का अवकलन करेंगे। प्लस थ्री, अगर देखो यहाँ प्लस वाले में कोस आता तो ठीक है, अगर साइन होता तो हम क्या करते हैं माइनस। अब दो आ रहा है देखो, जोड़ते हैं साइन और साइन कैंसिल, एक कोस एक्स और एक कोस एक्स कितने होंगे दो कोस एक्स, हमारे पास क्या है एक कोस एक्स है। तो अस और हर में कितने से गुणा कर दिया दो से, अस और हर में कितने का गुणा कर दिया दो से, एक बटा दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर काट दियो डी एक्स एक बटा दो डी टी पॉन टी, क्या आएगा लोग टी प्लस सी, टी का मान रख दिया लोग कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी आ जाएगा, क्लियर है। अब ऐसा ही आप दो क्वेश्चन आप रफ में करके देखोगे, दे रहा हूँ डी एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, ऐसे ही है। तीसरा डी एक्स अपॉन वन प्लस कोटेक्स, वन प्लस में कोटेक्स, और डी एक्स अपॉन वन माइनस कोटेक्स, वन प्लस कोटेक्स और वन माइनस कोटेक्स, ऐसे करो। अब देखो इसके अंदर उदाहरण नंबर 11 है, रूट वन प्लस कोस दो एक्स, उदाहरण नंबर 11 डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस कोस दो एक्स। तो रूट वन प्लस कोस दो एक्स का तो डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा दो कोस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोस दो एक्स का क्या सूत्र होता है दो कोस स्क्वायर एक्स की, वन प्लस कोस दो एक्स दो कोस स्क्वायर एक्स, दो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट दो कोस स्क्वायर एक्स, एक बटा रूट दो वहां ले लेंगे, क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन कोस एक्स, रूट के बाहर क्या आ जाएगा कोस एक्स, एक बटा कोस एक्स क्या होगा सेक एक्स, आई बराबर वन अपॉन रूट टू sec x, sec x का log sec x प्लस टेन एक्स, अभी बताया मैंने i बराबर एक बटा रूट दो log sec x प्लस टेन एक्स प्लस में c आ जाएगा, log sec x प्लस टेन एक्स प्लस में c। द्वारा देखो dx एक्स अपॉन रूट वन प्लस कोस दो एक्स, तो कितना को क्या सूत्र होगा दो कोस स्क्वायर एक्स, रूट दो बार आ जाएगा डी एक्स अपॉन कोस एक्स, एक बटे डी एक्स अपॉन कोस एक्स है वो क्या आ जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स का जो समाकलन करते हैं तो लोग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी आ जाएगा। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, उदाहरण नंबर 12 वन प्लस sec x, इनका कैसे करेंगे इनका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, वन प्लस sec x, तो वन प्लस sec x को क्या करेंगे sin और cos में चेंज कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे sin और cos में, एक बटे cos x
एक बटे कोस एक्स डी एक्स, तो लघुतम लेंगे क्या आएगा, एक प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, कि एक प्लस कोस एक्स दो कोस स्क्वायर एक्स वाई टू। अब देखो दो कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, तो कोस एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फिर बताओ, कोस वाला तो लगा नहीं सकते, साइन वाला लगा देंगे। क्यों लगाएंगे केवल साइन वाला, क्योंकि साइन वाले की प्रॉपर्टी मानेंगे तो कोस वाला अवकलन आ जाएगा, साइन वाले की प्रॉपर्टी मानेंगे तो कोस वाला क्या आ जाएगा अवकलन। तो इसके अंदर कि कोस एक्स वन माइनस दो साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, वन माइनस दो साइन स्क्वायर एक्स वाई, कि एक प्लस sec x है, इसको हम क्या करेंगे, एक प्लस cos x, एक प्लस cos x अपॉन cos x dx। अब एक प्लस cos x दो cos square x y 2, और ये तो होता है ये फॉर्मूला cos x में, देखो चार फॉर्मूले होते हैं, sin में, cos में, cos और sin tan में, परंतु sin वाला लगाएंगे इसमें, क्यों लगाएंगे, क्योंकि sin वाले के बराबर t मानेंगे तो cos वाला अवकलन आ जाता है, समझ में आई बात। तो 1 प्लस कोस एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर दो कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, इसके अंदर एक माइनस दो साइन स्क्वायर एक्स वाई, तो रूट दो बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर कोस एक्स वाई टू रूट वन का होल स्क्वायर माइनस रूट दो साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। अब माना रूट दो साइन एक्स वाई टू बराबर हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी, माना रूट दो साइन एक्स वाई टू बराबर टी, रूट दो साइन का कोस एक्स वाई टू, एक्स वाई टू का फिर अवकलन होगा एक बटा दो, क्या होगा एक बटा दो, ये ध्यान रखना भाई, साइन एक्स वाई टू का अवकलन कोस एक्स वाई टू और एक्स वाई टू का अवकलन एक बटा दो। तो हमारे पास क्या है, रूट दो कोस एक्स वाई टू है ही, रूट दो कोस एक्स वाई टू डी एक्स बराबर दो डी टी, ये दो डी टी आ जाए, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, दो को बाहर ले लो डी टी पॉन रूट एक का एक माइनस टी स्क्वायर, क्या आएगा साइन इनवर्स टी, दो साइन इनवर्स टी प्लस में सी, टी का मान रखोगे, टी का मान रखने पर, टी का मान रखेंगे तो टी का मान क्या है बोलो, रूट दो साइन एक्स वाई टू, टी का मान क्या है, रूट दो साइन एक्स वाई टू, आई बराबर दो साइन इनवर्स रूट दो साइन एक्स वाई टू प्लस में सी, रूट दो साइन एक्स वाई टू प्लस में सी आ जाए। दोबारा देखो इसको कैसे करेंगे हम, कि एक प्लस sec x है, इसको हम एक प्लस cos x में चेंज कर देंगे, फिर लघुतम लेंगे कोस एक्स कितना आ जाएगा, वन प्लस कोस एक्स डी एक्स, फिर कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला करेंगे, दो कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, और कोस एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, साइन में सूत्र लगा देंगे, वन माइनस दो साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब साइन एक्स वाई साइन में क्यों लगाया अभी हमने फॉर्मूला, क्योंकि साइन एक्स वाई टू बराबर टी मानेंगे तो कोस एक्स वाई टू अवकलन आ रहा है, तो रूट दो साइन एक्स वाई टू बराबर टी, रूट दो साइन एक्स वाई टू का कोस एक्स वाई टू का एक बटा दो डी एक्स बराबर डी टी, कोस एक्स वाई टू डी एक्स बराबर रूट दो कोस एक्स वाई टू डी एक्स बराबर दो डी टी, दो बार आ जाएगा डी टी पॉन रूट एक माइनस टी स्क्वेयर, एक माइनस एक्स स्क्वेयर रूट का साइन इनवर्स एक्स,
प्लस सी, टी का मान रख दिया रूट दो साइन एक्स वाई टू प्लस में सी आ जाए। समझ में आ गई बात। अब देखो उदाहरण नंबर 13, बाकी जो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।